दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ TNPSC फॉरेस्ट अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2018 के बारे में। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताता हूँ। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन, पोस्ट नेम फॉरेस्ट अप्रेंटिस, वैकेंसीज 158 है, अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा, जॉब कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स है, जॉब लोकेशन तमिलनाडु, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग तमिलनाडु के अंदर होगी। वैसे आप भारत के किसी भी राज्य से इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। स्टार्ट डेट 4 जुलाई 2018, लास्ट डेट 1 अगस्त 2018। ऑफिशियल वेबसाइट www.tnpsc.gov.in, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई ऑनलाइन कर पाओगे। दोस्तों अब जान लेते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसीज डिटेल के बारे में। नेम ऑफ पोस्ट एंड पोस्ट कोड, नंबर ऑफ वैकेंसीज, फॉरेस्ट अप्रेंटिस पोस्ट कोड 1652 के लिए 148 रेगुलर के पद है। फॉरेस्ट अप्रेंटिस पोस्ट कोड 1652 शॉर्ट फॉल वैकेंसीज फॉर SC एप्लीकेंट्स ओनली के लिए 10 पद है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये सिर्फ SC शॉर्ट फॉल के लिए है। कुल मिलाकर के होते 158 पद। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास कितनी योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों जिनके पास बैचलर डिग्री इन फॉरेस्ट्री में है या इसके बराबर कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो UR कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट 18 से 30 साल के बीच रखी गई है। फॉर SC, SC, ST, MBCS, DC, BCS, BCM एंड DWS कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 18 से 35 साल के बीच आयु सीमा रखी गई है। फॉर EX सर्विसमैन इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट के लिए आयु सीमा 18 से 37 साल के बीच रखी गई है। अब जान लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो दोस्तों आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फ़ीस की 150 देने होंगे और बाद में एग्जामिनेशन फ़ीस रुपये 150 देने होंगे, यानी कि कुल मिलाकर के आपको रुपये 300 देने होंगे। पे स्केल की बात करें तो आपको एक बहुत अच्छा पे स्केल दिया जाएगा जो कि लेवल 20 के अंदर आता है और जो कि है 37,700 से लेकर 1,19,500, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। दोस्तों एक बार फिर से इम्पोर्टेंट डेट्स जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट डेट्स सबसे मेन होती है, इसलिए मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। स्टार्टिंग डेट 4 जुलाई 2018 है, क्लोजिंग डेट 1 अगस्त 2018 है, लास्ट डेट फॉर पेमेंट 3 अगस्त 2018, यानी कि आपको 3 अगस्त से पहले अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा करानी होगी। पेपर 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट 1, पेपर 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट 2, पेपर 3 जनरल स्टडी की एग्ज़ाम डेट 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच है। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, फिर फिजिकल एग्ज़ाम होगा और सबसे बाद में इंटरव्यू होगा। अगर आपने ये तीनों टेस्ट सफलतापूर्वक क्लियर कर लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। दोस्तों अब जान लेते हैं आवेदन करने का तरीका, यानी कि आवेदन कैसे करें। इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जो कि है www.tnpsc.gov.in। लेकिन मैं आपको बता दूं, रजिस्टर करने से पहले आपके पास वैलिड ईमेल आईडी, स्कैंड कॉपीज और फ़ोटो और सिग्नेचर होने चाहिए। इसके बाद आपको इस साइट पर पहुंचने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, वहां से आपको इस वेबसाइट में रजिस्टर हो जाना है। उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके इस फॉर्म के लिए अपनी सारी जानकारी भर देनी है जो कि वहां पर मांगी गई हो, और अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर देने हैं अपने सिग्नेचर के साथ। और उसके बाद आपको फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लेना है कि कहीं आपके द्वारा कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, अगर हो गई हो तो उसे क्लियर कर लेना है और अपना फॉर्म लास्टली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक फ़ोटोकॉपी ले लें जो कि आपके भविष्य में काम आएगी। दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई ऑनलाइन लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसके लिए आपको कोई भी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है वीडियो के और वहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड करना है और साथ ही अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो के आखिरी में मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और आपके लिए किसी भी प्रकार से फ़ायदेमंद रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही अगर आपको इस वीडियो संबंधित कुछ भी पूछना हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द जवाब दे सकूँ।